के चक्कर में। और आपको मैं बता दूं, वहां पे ना ये ना मुझे छोड़ दिए थे दोनों लोग बाप बेटे। हमको लगा जानते क्या, तुम सोचे तुम बैठी हो यार। गाड़ी आगे पता, स्कूटी पे क्या हुआ कि हम तीनों लोग बैठे हुए थे और चौं चौं कर रही थी स्कूटी तो बेचारा। आप सब कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। और इस समय हम लोग मार्केट आए हैं, पर इस बार हम और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा मतलब तेजस भी आए हुए हैं। और अभी हम लोग को क्या खरीदना है ये तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे चलते हैं, क्या क्या खरीदते हैं आप लोग को सारी अपडेट देते हैं इस ब्लॉग के द्वारा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आज आज माँ बेटे थोड़ा डिफरेंट लुक में, अलग अलग कलर डिफरेंट लुक में है। ये भी कोलाबेशन की टी शर्ट पहने हैं, ये फोटो वाला टी शर्ट आया मुझे भी गुलाब के लिए मिला था। ये आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इनके लिए पहला प्रोडक्ट इनको गुलाब करने के लिए मिला है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो टी शर्ट पाके काफी खुश है, काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मम्मी भी काफी खुश है क्योंकि आज डिफरेंट टाइप की ड्रेस पहनी, खाली पापा ही खुश नहीं है। क्यों पापा? पापा वही तरह है, पापा वही सही, रोटी बासी चावल, बासी रोटी बासी चावल। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर में, हम लोग गाड़ी खड़ी कर दी क्योंकि सिटी में ना गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। ट्राउजर लोगे हमको लगता है ना, ट्राउजर ही लेंगे, थोड़ा कम मजा आती। देखो कौन कौन से तेजस, तुमको क्या चाहिए? मुझे भी शर्ट चाहिए। शर्ट और ट्राउजर तो नहीं चाहिए? ट्राउजर ब्लैक है। तो देख लो फिर, जो तुमको समझ में आए वो ले लो। ये तो वो है शर्ट है, ये तो अच्छी लग रही ना। तुम्हारी क्या है, 36 है? 34 34 है। कौन सा कलर का चाहिए? 34 भैया, पिछली बार 34 लेके गए थे ना तो वो थोड़ा टाइट था, टाइट थी 34, पता नहीं कैसे। हाँ बहुत ज्यादा टाइट था, दो लेके गए थे, एक एकदम सही निकल गए। हमको लगता ब्रांड का होता ही, कोई ब्रांड छोटी हल्की बना देती है और कोई ब्रांड बड़ी बना देती है। फॉर्मल पहनना कभी हुआ तो। तेजस और तेजस के पापा की शॉपिंग हो चुकी है, काफी अच्छा खासा शॉपिंग किया है दोनों लोग ने मिल करके। तो अभी इन लोग आ चुके हैं यहाँ पे कुर्ता पैजामे की दुकान पे, और यहाँ से ये बाप बेटे दोनों लोग मिलकर कुर्ता पैजामा खरीदने के मूड में हैं। अभी तक आपने मेरे हस्बैंड को कभी कुर्ते में नहीं देखा होगा, तो इस बार ट्राई करने के मूड में हैं। अब देखते हैं कि क्या शॉपिंग करते हैं, दोनों लोग जुटे हैं शॉपिंग करने में। कुर्ता लोगे? कौन से कलर का लोगे? ये येलो कलर तो ये यार, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। सिल्क पैटर्न पे देखिए क्या? हाँ सिल्क पे देखिए, मतलब नहीं मतलब कॉटन वाला, रेड कलर का निकलवाओ पहले तो तुम। रेड सल्टी अच्छी लगेगी कुर्ता में मम्मा, ये कॉटन वाला, वो वाला अच्छा लग रहा हमको, ये वाला। हाँ भैया, इसमें थोड़ा कम रेट भी मिल जाएगा क्या हमारे हिसाब से? पता नहीं, ये वाला सस्ता ही होगा, नहीं मजा आएगा इसको लेना। तो मुझे लगता है 40 छूटा गया था इसलिए ना, नहीं मजा आएगा। कुर्ते की शॉपिंग हो गई है और अब क्या खरीदना है? आपको इतना ही खरीदना है, चलो वहाँ पे हमको गॉगल्स लेने। अच्छा तो अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ गॉगल्स सारे टूट चुके हैं, तो अब वहाँ पे चल रहे हैं, देखते हैं। बेहतरीन बेहतरीन लेंगे तो मोर वाले गॉगल स्टाइल के बेहतरीन जो लगे, एक तो मेरे लिए भी लेना अच्छा है। अच्छा मैं, लेकिन हम तो टेस्टेड लगाते हैं। चश्मा चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कब तक आ जाएगा भैया? अच्छा अच्छा चलो कोई बात, आप कहाँ से लेंगे? अब देखो यार कहाँ से, पिंकी के घर चश्मे की होलसेलिंग करते हैं।
कहाँ पर? वो वहाँ पे है। तुम्हारा? मेरा वो रेड येलो रेड तो मेरा रेडी थी। कपड़े की शॉपिंग हो गई है और हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मंडी। और चाहे जितना भी फैशन कर लो, खाने के बिना नहीं रहता है। तो यहाँ सब्जी मंडी में सब्जी हद कर दिए हैं मेरे तेजस, इतने बड़े हो गए हैं। पर ये बताइए खिलौना खेलेंगे? खिलौने की दुकान पे चले आए, देख लो देख लो, मुंह देखो इनका, इतना झूठ मतलब क्या है बताओ यार। ना आपको झूठ बोलने के लिए कोई और चीज़ नहीं लगता, मैं मिलता हूँ झूठ बोलने। तुम अपने मम्मी को झूठा साबित कर रहे हो? बताइए इस तरह की मतलब देख रहे हैं, जबरदस्ती हमको टांग के लेके आए कि मैं खिलौना खेलूंगा, वो भी क्या खिलौना, क्योंकि झुंझुना झुंझुना करने के लिए मतलब कुछ भी क्या यार, झुंझुना वाला खिलौना का है ये, देख लो ये बताओ, ये वाली बॉल और ये वाला खिलौना खेलने के लिए क्या यार। मैं आपको बताऊँ, हम खिलौना नहीं खेलना है, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया, मम्मी लोग को कुछ सामान लेना था, मम्मी को वो झुंझुना खेलना था, ऐसे करके मैं झुंझुना खेलूंगी। झूठा कहीं का झूठा क्या, मैं खेलूंगा? तुम खेलोगे? हम नहीं खेलेंगे, तुम ही खेलोगे। ना ना, बहस लड़ा तो अपनी माँ से। देख रहे हैं यहाँ हमको छोड़ करके ये दोनों लोग चल दिए। देखो बैठे क्या हो, हम पीछे रह गए तो वहाँ चल रही हो और हम चिल्ला रहे हैं कि अभी हम नहीं बैठे, अभी हम नहीं बैठे हैं। मैंने कहा इसलिए डेट रुक गए, हम लोग चले गए होते, अभी मैंने ना देखा होता तो हल्का ब्रेक लगा तो उतर के खड़े क्या हो जाते हो? ब्रेक लगा उतर के खड़े क्या हो जाते हैं? वहाँ पे वो हम सोचे स्कूटी नहीं चल पा रही, तीन तीन लोग बैठे तो हम सोचे उतर जाए तो वो लेके चल दिए गाड़ी। अभी बताओ यहीं छूट जाते तो बस पैसा भी नहीं दिए थे घर पहुँचते हम। बताइए इस तरह की हरकतें हमारे घर वाले करते रहते हैं, हंसी आ रही, सब दांत निकाल रहे हैं बैठ के। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, बहुत थकान लगी हुई है, रुकिए चेंज करके मिलते हैं आपसे। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं शॉपिंग करने के चक्कर में। और आपको मैं बता दूं, वहाँ पे ना ये ना मुझे छोड़ दिए थे दोनों लोग बाबे थे। हमको लगा जानते क्या, हमको तुम बैठी हो यार, स्कूटी पे क्या हुआ कि हम तीनों लोग बैठे हुए थे और चौं चौं कर रही थी स्कूटी, तो बेचारी बुढ़िया वैसे ही हो गई है। हाँ, कहीं पुलिस वाले मिलते तो काट देते चलानो, और आदत तो खराब है, वह हेलमेट लगाने की आदत है नहीं, पब्लिक टोकती है, आप अपने हेलमेट से बुला कर ये हेलमेट लगाया करें। नहीं लगाते हैं हेलमेट, उस दिन नहीं लगाए थे हेलमेट एक्चुअल में ये, मगर और तुम इतनी हल्की फुल्की पता भी नहीं चलता, तुम उतर गए पता नहीं चला। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं क्या हुआ वहां पे, जैसे हम थे प्रीत थे और ये तीनों लोग बैठे हुए थे, तो इस थोड़ा सा ऐसे ऊंचा वाला बट डिवाइडर क्या बोलते हैं डिवाइडर था ब्रेकर था तो ब्रेकर पे जैसे ही स्कूटी चढ़ी तो चढ़ नहीं पा रही थी, मतलब इतना ज्यादा लोड हो चुका था, खा के तो मोटाए हुए हैं, डाउन हो गया तो उसके बाद वो चढ़ नहीं पा रही, तो हम सोचे इसके स्कूटी क्या प्राण लेना, चलो हम उतर जाते हैं। हम धीरे से उतर गए, ये दोनों जने जान नहीं पाए स्कूटी लेके चलते हैं। तो भैया तो हमको पता नहीं चला ना, तुम उतर गए तब भी हमका इतना प्रीवाइजर लगे उतना वजन, और तुम बैठे तब भी हमको उतना वजन लगे, देख लो। ये नमक उठाओ, दो नमक दो, देखो क्या बैठे बना रहे हैं, भेलपूरी बना रहे हैं। लाओ पानी पिलाओ प्रीत यार, पापा और चिल्ला रहे हम कि यार छोड़ दियो, लाओ पानी बाहर घर चले आए हो, प्रीत देखे हम कहा हाँ छोड़ दो। हम व्लॉगिंग क्या करते रह जाते हैं, तुमको पता है भाई अंकल भी देखे क्या, हो जब तुम छूट गई थी निकालने की, छोड़ दो हमको ना ले चलो ना, तो उनका लगा पता नहीं कौन सी लेडी से कहीं बदतमीज तो बात नहीं कर रहा अंकल, हम कैसे देख रहे हैं। लाओ बता दें तभी तो प्री से बोलेंगे कहा मम्मी मम्मी बुलाओ मम्मी तो सब लोग समझ रहे क्या कर रहे हो तुम फोन पे कहां को, अच्छा पैटर्न लगा रहे हो क्या, पैटर्न लॉक, ये पैटर्न सबसे पहले लगा रहे, अपन फिंगरप्रिंट चिपका दे, अरे एसी बंद करो यार ठंडी लग रही है।